प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा को एक नई ऊंचाई प्रदान की है, जिसमें कार्यकर्ताओं की कमर तोड़ परिश्रम रही है। जहां भाजपा का कमल नहीं खिलता था, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कमल खिल रहा है। हमने असम और नागालैंड में अपनी सरकार बनाई है और त्रिपुरा से वामपंथी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया है। अब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की तैयारी है। ये बातें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद रविशंकर प्रसाद ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित क्लस्टर बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हमारा जीतना तय है, लेकिन जीत का आंकड़ा हमें 400 सीटों के पार करना होगा। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचा है और बिहार में भी लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का अंत कर दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश का मतदाता भाजपा को वोट देने के लिए उत्साहित है, इसलिए चुनाव में लगे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से संपर्क एवं संवाद स्थापित कर लाभार्थी एवं मतदाताओं से जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। दर्शन करके मेरा सौभाग्य था, मैंने कुछ अपनी बात कही, कुछ उनकी भी सुनी, और ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की अगुवानी में यही प्रक्रिया है। मैं भी जा रहा हूं अपने दो लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करने क्लस्टर के अंतर्गत। आज सुबह महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मिट्टी को प्रणाम किया मैंने और यहां बुद्धिजीवियों से बात किया, तो हमारी जीत आश्वस्त है। लेकिन फिर भी हम लोग पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है वो बता रहे हैं। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। जीत आश्वस्त है, फिर भी ढिलाई कोई नहीं। सतहत्तर सीटें यूपी में दिखाई जा रही हो मेगा ओपिनियन पोल में। सर्वे होता है ना, अभी वेट करिए ना, सर्वे और एक्चुअल में तो अंतर होता है ना। कहा गया था सर्वे में कि क्या कि आप छत्तीसगढ़ हारिएगा, मध्य प्रदेश निकल पाएगा नहीं, मैंने कहा था जीतेंगे, जीत गए ना। तो एक होता है सर्वे, सर्वे वालों का सम्मान, एक होता है एक्चुअल। हर घर में हर फुटपाथ पर मोदी जी को जिताने का संकल्प है, रिजल्ट देखिए। अस्सी पूरी मैंने सीए पर विस्तार से कल ही यहीं पर तो बैठ दिया है, दिल्ली में भी दिया था। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम लोग इसको लागू नहीं। सीए किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता छीनता है, नागरिकता देता है। ये शुद्ध और शुद्ध रूप से वैसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित रहे हैं, उनको यहां स्थान देता है। जो वर्षों से यहां पड़े हुए हैं, नागरिक नहीं है। और ये कभी नहीं भूला जाए कि ये तीनों देश इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। एक मिनट, और प्रताड़ित होकर लोग आते हैं, आज भी वहां चर्च जलते हैं, वहां हिंदू मंदिर जलते हैं, तो ये ठीक तो नहीं है ना। तो जो अपने जान को बचाने के लिए आए हैं, तो हमारा फर्ज है, भारत की संस्कृति है। और ये कौन लोग हैं ममता जी लोग, जो रोहिंग्यास को अपने यहां बसाते हैं, कहते उनको रिफ्यूजी मानो, और जो कई वर्षों से यहां पड़े हुए हैं उनको नहीं दें, ये ठीक नहीं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। धन्यवाद। सर, खड़गे जी ने बयान दिया है कि इलेक्टोरियल बॉन्ड की वजह से जो खाता सर्च हो गया है, हमारे पास अब चुनाव लड़ने के पैसा नहीं बचा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी जो चिंता है, उन्हीं से बात करिए, मुझे क्यों कह रहे हैं। दिक्कत है कि उनकी जब राजनीति के जमीन पर साख नहीं बचती है तो चंदा नहीं मिलता होगा, पहले तो बहुत मिलता था। धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाते हुए सम्मान दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कर उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए, इसलिए सभी महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जन आंदोलन में परिवर्तित करें और सोशल मीडिया के कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को जन जन तक पहुंचाते हुए कांग्रेस के फर्जी कार्यों का पोस्ट करने वाले कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर धराशायी कर दें। इसके पूर्व प्रयागराज के क्लस्टर प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और सनातन धर्म स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ रहा है।
पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस को बुरी तरह से पराजित किया था और इस बार हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल एवं संचालन रणजीत सिंह ने किया। बैठक में सांसद संगम लाल, विधायक राजेंद्र कुमार, कौशाम्बी जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य एवं प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव सहित क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं कौशाम्बी प्रभारी अवधेश चंद्र गुप्ता, कौशलेंद्र सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, जिलाध्यक्ष गंगापा कविता सिंह पटेल, लोकसभा प्रभारी एवं संयोजक, विधानसभा प्रभारी एवं संयोजक और कोर कमेटी, चुनाव प्रबंधन समिति एवं पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।